सुदिति नमन एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स. यस्टरडे आई हैव एक्सप्लेन्ड चैप्टर 1 तानसेन द मैजिकल म्यूजिशियन. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन रेस्ट चैप्टर. दिस वॉज अ ग्रेट ऑनर एंड द फर्स्ट स्टेप इन तानसेन्स राइज टू फेम. ये तानसेन के लिए बहुत बड़ा सम्मान था और उनकी प्रसिद्धि में पहला कदम था. किंग रामचंद्र एडमायर्ड तानसेन सिंगिंग. राजा रामचंद्र ने तानसेन की गायकी की प्रशंसा की. द एम्परर अकबर वंस वेंट ऑन अ विजिट टू रेवा. एक बार सम्राट अकबर रेवा घूमने आए. किंग रामचंद्र अरेंज्ड फॉर तानसेन टू एंटरटेन हिज रॉयल गेस्ट. राजा रामचंद्र ने अपने शाही मेहमान के मनोरंजन के लिए तानसेन को अरेंज किया. द एम्परर वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई तानसेन्स म्यूजिक. सम्राट तानसेन के संगीत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए. एंड सून आफ्टर हिज रिटर्न. और अपनी वापसी के बाद जल्दी ही सेंड अ मैसेज टू रामचंद्र रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड तानसेन टू हिज कोर्ट. उन्होंने एक संदेश भेजा रामचंद्र के पास और उनसे तानसेन को दरबार में भेजने की प्रार्थना की. किंग रामचंद्र डिड नॉट वॉन्ट टू पार्ट विद तानसेन. राजा रामचंद्र तानसेन से अलग नहीं होना चाहते थे. बट ही कुड नॉट एफर्ट टू डिसप्लीज द पावरफुल अकबर. लेकिन वो शक्तिशाली अकबर के नाराज़गी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे. आफ्टर ऑल आखिर अकबर वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया. सम्राट अकबर भारत का शासक था. एंड रामचंद्र वॉज ओनली द किंग ऑफ अ स्मॉल स्टेट इन अकबर्स एम्पायर. और राजा रामचंद्र अकबर के साम्राज्य के एक छोटे से स्टेट के राजा थे. सो रिलेक्टेंटली इसलिए दुखी मन से किंग रामचंद्र सेंट तानसेन एज अ रॉयल गिफ्ट. राजा रामचंद्र ने तानसेन को एक शाही उपहार स्वरूप सम्राट अकबर के यहाँ भेज दिया. अकबर वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई तानसेन्स म्यूजिक. अकबर तानसेन के संगीत से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए दैट ही बेस्टोड ऑन हिम द हाइएस्ट ऑनर ऑफ द लैंड. कि उन्होंने पृथ्वी के सबसे महान सम्मान से उनको नवाजा. तानसेन वॉज इंक्लूडेड एमंग हिज नवरत्न. तानसेन को उनके नवरत्नों में गिना जाने लगा. नाइन ज्वेल्स द नाइन मोस्ट आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स ऑफ द रॉयल कोर्ट. उनके नौ रत्न द नाइन आउटस्टैंडिंग टैलेंट ऑफ द रॉयल कोर्ट. उनके शाही दरबार के टैलेंट में से उनको एक गिना जाने लगा. बिसाइड परफॉर्मिंग इन द कोर्ट. कोर्ट में यानी उनके दरबार में परफॉर्म करने के अलावा तानसेन वुड ऑफन सिंग अलोन फॉर द एम्परर. तानसेन सम्राट के लिए अकेले में भी गाते थे. एट नाइट ही सेंग राग्स दैट वुड सूथ एंड हेल्प अकबर फॉल एस्लीप. एक रात वो उन्होंने एक राग गाया जिससे कि अकबर को आराम से नींद आ गई. एंड इन द मॉर्निंग तानसेन सैंग स्पेशल राग्स दैट वुड जेंटली अवेकन द एम्परर. और सुबह के समय तानसेन ने एक ऐसा खास राग गाया जिससे कि अकबर की सम्राट अकबर की नींद धीरे से खुल गई. देर आर मैनी स्टोरीज टोल्ड अबाउट द पावर ऑफ तानसेन्स म्यूजिक. तानसेन के संगीत की शक्तियों की बहुत सारी कहानियाँ सुनने में आती हैं. इट इज़ सैड ऐसा कहा जाता है कि दैट व्हेन तानसेन सैंग जब तानसेन गाते थे बर्ड्स एंड एनिमल्स वुड गैदर टू हियर हिम. चिड़ियाँ और जानवर उनको सुनने के लिए उनके आसपास इकट्ठे हो जाया करते थे. वन इवनिंग एम्परर अकबर डिसाइडेड टू विजिट तानसेन. एक शाम सम्राट अकबर ने तानसेन के पास जाने का सोचा. व्हेन द एम्परर अराइव जब सम्राट पहुँचे तानसेन वॉज सिंगिंग एंड प्लेइंग द तानपुरा. तानसेन गा रहे थे और तानपुरा बजा रहे थे. द एम्परर सैट क्वाइटली इन द वरांडा एंड लिसन टू हिम.
एम्परर चुपचाप वरांडा में बैठ गए और उनको सुनने लगे। सो प्लीज्ड वॉज द एम्परर, एम्परर इतने ज़्यादा प्रसन्न हुए विद तानसेन्स म्यूजिक, तानसेन के संगीत से इतने ज़्यादा प्रसन्न हुए दैट आफ्टर द परफॉर्मेंस ही टुक ऑफ हिज डायमंड नेकलेस, उन्होंने सम्राट तानसेन के गाने के बाद अपने हीरे के हार को निकाला एंड प्रेजेंटेड इट टू तानसेन और इसको तानसेन को उपहार स्वरूप दे दिया। सम कोर्टियर्स बिकेम वेरी जेलस ऑफ एम्परर्स हाई रिगार्ड फॉर तानसेन, कुछ दरबारी सम्राट द्वारा तानसेन को दिए जाने वाले ध्यान से बहुत ज़्यादा जेलस होते थे। दे स्टोल द डायमंड नेकलेस गिवन बाई द एम्परर, उन्होंने सम्राट के द्वारा दिया हुआ हीरे का हार चोरी कर लिया एंड टोल्ड हिम दैट तानसेन हैड सोल्ड इट फॉर अ लार्ज सम ऑफ मनी, और सम्राट को जाकर बताया कि तानसेन ने इसको इस हार को ऊंचे दामों में बेच दिया था। व्हेन समन्ड टू द रॉयल कोर्ट, जब उनको दरबार में शाही दरबार में बुलाया गया एंड आस्क्ड टू प्रोड्यूस दैट नेकलेस और नेकलेस दिखाने के लिए बोला गया, तानसेन वॉज अनेबल टू डू सो, तानसेन ऐसा करने में असमर्थ रहे। द एम्परर फ्लू इनटू अ रेज, एम्परर गुस्से में भर गए, यू विल बी बैनिस्ड फ्रॉम द कोर्ट, तुमको दरबार से निकाला जाता है टिल यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ वियरिंग द नेकलेस, रोड द एम्परर। सम्राट गुस्से में चिल्लाए कि जब तक तुम उस नेकलेस को पहन करके यहाँ प्रेजेंट नहीं होते हो तुमको दरबार में से निकाला जाएगा। तानसेन वॉज इन ग्रेस डिसग्रेस, तानसेन को अपमान महसूस हुआ, ही हैड नो वन टू टर्न टू, उनके पास कोई ऐसा नहीं था जिसके पास वो जाते। एट लास्ट ही थॉट ऑफ किंग रामचंद्र, और आखिर में उन्होंने राजा रामचंद्र के बारे में सोचा एंड सेट ऑफ फॉर रेवा, और वो रेवा के लिए निकल गए। रामचंद्र वेलकम्ड हिज फॉर्मर कोर्ट म्यूजिशियन, रामचंद्र ने अपने पुराने शाही संगीतकार का स्वागत किया। आफ्टर हियरिंग द होल स्टोरी, पूरी कहानी सुनने के बाद द किंग सैड, राजा ने कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो, जस्ट सिंग फॉर मी, तुम मेरे लिए गाओ। तानसेन सेंग टू ब्यूटीफुल रागस फॉर द किंग, तानसेन ने दो ब्यूटीफुल रागस, सुंदर गाने राग राजा के लिए गाए। यू हैव ब्रॉट मी ग्रेट जॉय, सेड रामचंद्र, रामचंद्र ने कहा, तुमने मुझे बहुत खुशी दी है एंड एज अ टोकन ऑफ एप्रिशिएशन, प्रशंसा के टोकन के तौर पर ही प्रेजेंटेड हिज ज्वेल्ड सैंडल्स टू तानसेन, उन्होंने अपने हीरे जवाहरात के सैंडल तानसेन को दे दिए। स्टूडेंट्स फॉर टुडे इट इज़ एनफ एंड आई विल एक्सप्लेन द रेस्ट चैप्टर टुमारो, टिल नाउ स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।